सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। एंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं एक्चुअली मार्केट। एंड मैं क्यों जा रहा हूँ मार्केट वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताता हूँ। भाई ऑफिस से आने के बाद इतनी तेज भूख लगती है ना, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लें देना, उसके बाद चलेंगे शोरूम वोरूम। भाई ये हमारे कॉलेज के पास वाली टपरी, सब यहीं आते हैं चाय पीने के लिए। भाई इन बैरिकेड से हम बड़े परेशान हैं, कैंटोनमेंट के अंदर हर 500 मीटर पे लगे रहते हैं, उस चक्कर में रुकना और पड़ता है। भाई मार्केट तो आ गए, थोड़ा सा और आ गए बस, तो टेस्ट राइड लेते हैं और क्या। गाड़ी निकल रही है हमारे लिए। A few moments later. भाई बहुत ज़्यादा हैवी है, एक्सपल्स से भी ज़्यादा है। मैं एक्सपल्स ट्राई किए, मुझे तो एक्सरसाइज नहीं चाहिए किसी को, ये एडवेंचर वाली जो किट लगी है। नहीं आपको वो लगी आती है। अरे यार मज़ा ही नहीं आया, हटवा सकते हैं? हटवा सकते हैं, हटवा तो सकते हैं, लेकिन हमें लगी ही चाहिए। लेने के बाद ये सब अलग से लगवाते ही थे, तो कंपनी ने वो इनबिल्ट कर दी, अब लगा कर ही दे दिया। भैया मैंने एक्सपल्स ट्राई किए, उसमें डिफरेंस बताओ उसका और इसका, दोनों में कंफ्यूज हूँ मैं कौन सी लूँ। कम सीसी के, सबसे पहली बात। हाँ उसका वो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह एक्स्ट्रा ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा और पतली सी दिखती है, बिल्कुल पतली दिखती है और हाइट ज्यादा है उसकी, पतली है। मल्टीपर्पज नहीं है कि उससे सिर्फ आप वो ऑफ रोड ही कर सकते हो बस, अब इसको ऐसा आप मार्केट भी लेके जा सकते हो। इसको आप अगर ये उतार दो ना, ये वही चीज है टूरिंग के हिसाब से, हमें उसी पर्पज से चाहिए। वो जो साइड में लगते हैं ना यार, उसको क्या बोलते हैं, पैनियर, पैनियर सैडल बैग के हिसाब से ही है। तो भाई सब मैं मेरा डिसीजन बता देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा बाइक को लेके। ऑल्दो स्पेसिफिकेशन वगैरह जाननी है आपको उस बाइक की, तो वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, बट मैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसी लगी मेरे को बाइक। ऑल्दो बाइक बहुत ही परफेक्ट है, टूरिंग के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है और मल्टीपर्पज़ है कि आप उससे टूरिंग भी कर सकते हैं और साथ में डेली कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लुक्स में भी काफ़ी ठीक ठाक है, ऑल्दो हल्की सी सुपर बाइक टाइप की भी लगती है, और इंजन वगैरह भी ठीक ठाक है, 400 सीसी का इंजन है। बट अभी भी मेरे पास 5-6 ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक एक BMW की GS 310 है, एंड देन उसके बाद KTM की एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन एंड मीटियोर और एक्सपल्स देखी। तो उसमें से देखो BMW तो मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दी है, ऑल्दो मैं उसे परचेज कर भी लूँ बट उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, एंड एक्सपल्स भी प्राइस तो बहुत कम है बट लुक्स में उतनी ज़्यादा ठीक नहीं लगी। मैं मल्टीपर्पज सोच रहा हूँ बाइक खरीदने का कि एक ही बाइक से सारे यूज़ हो जाएं, कि आप टूरिंग भी कर लो, लोकल राइड भी कर लो और बाकी जो भी चीज़ें रहती हैं। सो BMW का मेंटेनेंस ज़्यादा था इसलिए मैंने उसे पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। आप इतनी महंगी बाइक जैसे तैसे करके मैं खरीद तो लूँ बट मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। एंड अब मेरे पास ऑप्शन दो बचते हैं बेसिकली, एक KTM एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड में जो दो बाइक हैं हिमालयन और मीटियोर, तो उनकी और टेस्ट राइड लेते हैं, देन उसके बाद फाइनल करते हैं कि बाइक कौन सी लेना है। ऑल्दो मेरे को ये डोमिनार बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो मेरे पास अभी बेसिकली 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें कि मैंने दो तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए हैं, बचे हुए 3 ऑप्शन में आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए इफ अगर लेता हूँ तो। ऑल्दो अपडेट मैं देता रहूँगा जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। वैसे तो मेरे को अभी तक डोमिनार मेरे को परफेक्ट बाइक लग रही है, बट वो दो और जो KTM और रॉयल एनफील्ड है उनकी और टेस्ट राइड ले लेता हूँ, देन उसके बाद मेरा फाइनल हो जाएगा।